दोस्तों, ये लेह का बस स्टेशन है और मुझे आज वापस जाना है जालंधर के लिए। तो दो ही रास्ते हैं, या तो मनाली से जा सकता हूँ या श्रीनगर से। तो अभी मैंने पता किया है मनाली वाली बस आज नहीं आई है, क्योंकि जो मनाली से आती है वही वापस जाती है। तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए मनाली से बस नहीं आई है। श्रीनगर वाली बस भी सुबह जा चुकी है। तो अभी मैं देखता हूँ टेम्पू ट्रेवल या इनोवा। ये देख सकते हैं, ये सारा लेह का बस स्टैंड है। तो अभी मैंने पता किया है कि इनोवा यहाँ से हर एक घंटे के बाद जाती है। तो एक इनोवा वाले से बात हो गई है मेरी, कितने में हुई बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, इनोवा हमारी लेह से निकल चुकी है श्रीनगर के लिए और 2000 में बात हुई है, लेकिन फ्रंट सीट मुझे नहीं मिल पाई है क्योंकि फ्रंट सीट का भाई 2500 रुपया मांग रहा था, ऑलरेडी बुक हो चुकी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इस हिसाब से निकलते हैं इवनिंग में कि जोजिला पास जो है ना, शाम को 5 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ख़तरनाक रास्ता हो जाता है। तो सुबह ही वहाँ एंट्री मिलती है 5 बजे के बाद। तो अभी ये इसी हिसाब से चलते हैं कि सुबह मॉर्निंग हो जाए वहाँ जोजिला पास तक जाते जाते। तो अब विंटर सीजन शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, स्नोफॉल भी हो रहा है काफ़ी, और लेह से ज़्यादा वैसे जोजिला पास और कारगिल साइड पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। तो बाई रोड तो मुश्किल हो जाएगा अभी किसी को, अब ले आना है तो बाई एयर तो खुला रहता है, बाई एयर आ सकते हैं। फर्स्ट स्टॉप है हमारा श्रीनगर, जा रहे हैं इसे छोटी गाड़ी से। फर्स्ट स्टॉप लगा है डिनर के लिए, 9 बज चुके हैं और सुबह पहुंचेगी हमारी गाड़ी श्रीनगर के लिए। ये भाई साहब नीली टी शर्ट वाले हैं ड्राइवर, और यहाँ चिकन चावल मिल रहे हैं 150 की प्लेट। तो दोस्तों, डिनर ब्रेक हमारा हो गया है ख़त्म। अभी ये देख सकते हैं, ये गाड़ी है टाटा वालों की, कारगिल यहाँ से रह गया है 2.5 घंटे का रास्ता। तो चलते हैं, अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो फ्रेंड्स, नाइट व्यू देख सकते हैं आप कारगिल का, जाते समय भी हमें नाइट हो गई थी तो यहीं पे स्टे किया था हमने। अभी आपको दिखाता हूँ जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज, ये ब्रिज है, ये क्रॉस करके कारगिल के बाहर, सिटी के बाहर रूम लिया था हमने, 800 रुपये का मिल गया था। तो ये बस स्टैंड है कारगिल का सामने, जो आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पूरी मार्केट है। अभी देखिए नाइट में बिल्कुल बंद पड़ी है मार्केट, और देख सकते हैं कोई भी सन्नाटा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारा बहुत बड़ा कारगिल सिटी है, तो ये शोर सुन सकते हैं आप, सुरू रिवर का शोर देखिए, पानी मतलब कितनी तेज़ चल रहा है। और ये रास्ता जो है ये हुंद्रामान विलेज की तरफ जाता है, जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। इंडिया का लास्ट विलेज है हुंद्रामान, और जिसे हम बॉर्डर्ड विलेज भी कहते हैं, भूतिया। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, सुबह हो चुकी है, मेरे साथ वाले सोए हुए थे, मुझे भी नींद आ रही है। तो हम श्रीनगर सिटी में पहुंच चुके हैं, ये कौन सा चौक है या कौन सी जगह है मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता है, किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये अभी हम कौन से रोड पे जा रहे हैं। सीआरपी की गाड़ी भी देखिए निकल रही है, ये पहुंचे टीआरसी, वहीं बोला ना जम्मू जम्मू बोलाएंगे। तो भाई लेह से ये पहुंच चुके हैं श्रीनगर, ये टैक्सी। थैंक यू दादा, अच्छा आपने लेह से हमें यहाँ जम्मू तक पहुँचा दिया। तो अभी आगे से हम लेंगे दोस्तों बस, अभी दोबारा से लेह से श्रीनगर पहुँच चुका हूँ, पहले श्रीनगर से ले गए थे, तो अभी मैं यहाँ श्रीनगर से फिर जम्मू की बस लूँगा और बस से फिर जालंधर जाऊँगा। तो ये बस वाला टूर हो गया अब, तो बस कहाँ से, कितने की, कैसे लेनी है सारी डिटेल दे दूँगा। ये जो इनोवा आती है लेह से यहाँ तक 2500 लेती है पर पर्सन, लेकिन मैंने थोड़ी बारगेनिंग की तो 2000 में मेरा ये काम बन गया था। लेह से यहाँ श्रीनगर तक 2000 में आ गया हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ से जम्मू तक के जो बस है वो कितना लेती, वो तो लोकल अपनी सरकारी बस मिल जाएगी, सस्ते में ही हो जाएगा। तो चलते हैं पहले बस स्टैंड, तो यहाँ तक आती है और लेह के लिए जाती है दोस्तों ये सारी टैक्सीज। अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड,
तो ये टैक्सी स्टैंड से ये ब्रिज फ्लाईओवर के नीचे से जाना है टैक्सी। इस साइड में देखो सारी टैक्सीज खड़ी हैं, सब आपको आवाज लगाएंगे जम्मू जम्मू जम्मू, यहाँ लेह लद्दाख लेह लद्दाख। तो ये सारी टैक्सीज खड़ी हैं यहाँ, और अभी मैं यहाँ से उतरा था निकला हूँ, वो मेन टैक्सी स्टैंड इसीलिए है कि वहाँ से आपको जम्मू के लिए और लेह लद्दाख के लिए मिलती रहती है डे नाइट आपको सर्विस। बस एक ही जाती है, ये बस स्टैंड है और बस की टाइमिंग फिक्स है। ये देखिए अभी ये भी देखता हूँ बस कितने की है और क्या टाइमिंग है। तो भाई श्रीनगर की पहली चाय तो ले के लिए एक ही बस है यहाँ से, लेकिन जम्मू के लिए तो बहुत सारी बसें हैं। मुझे अभी जम्मू जाना है तो चाय पी के मैं जम्मू के लिए निकलूँगा। तो गाइस चाय देखिए यहाँ पे हमने पी ली है, बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में ही चाय वाला है, और ये जितनी देख सकते हैं टेम्पो ट्रैवल टैक्सी खड़ी है, ये सब जम्मू और लेह लद्दाख जाने के लिए है। 24 घंटे सर्विस है छोटी गाड़ियों की, तो और बड़ी बस भी है जम्मू के लिए, तो बहुत बसेज हैं। लेह के लिए एक ही बस चल रही है, एक मनाली के लिए और एक है श्रीनगर के लिए। बाकी आप तो यहाँ आपको दो दो मिनट में आवाज़ें सुनाती रहेगी, जम्मू 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 श्रीनगर श्रीनगर जम्मू श्रीनगर लेह लेह। देख सकते हैं सारी टेम्पो ट्रैवल है, इसके साथ ही जो इनोवा का टैक्सी स्टैंड है, सब लेह के लिए डे नाइट चलती रहती है। और ये जम्मू का जेके रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बस स्टैंड है, बसें बहुत है, बस स्टैंड बहुत छोटा सा है। तो पहले टिकट खिड़की से टिकट ले लेते हैं, ये है बस स्टैंड और ये है टिकट खिड़की, ये सारा बस स्टैंड है। यहाँ से ले के लिए और जम्मू के लिए बस मिल जाएगी, ये ऑफिस है। इस साइड से ये टिकट खिड़की है। तो गाइस ये है हमारी बस खड़ी है, अभी एसी कोच ही लास्ट अभी जा रही थी, नॉर्मल नहीं है। तो इसकी 830 रुपये टिकट है जम्मू तक के लिए। ले के लिए सुबह 7 बजे एक बस चलती है, उसके बाद फिर कोई बस नहीं है। तो ले जाना है तो 7 बजे बस ले लें, या फिर जो छोटी इनोवा वगैरह 24 घंटे चलती रहती है वो लेते हैं 2500 से 2500। और ये फुल एसी जम्मू के लिए जा रहे हैं, 830 रुपये टिकट है। तो ये पीछे सारे टेम्पो ट्रैवल भी खड़ी हैं, ये जम्मू के लिए लेह के लिए, ये भी आपको 24 घंटे मिल जाती हैं, लेकिन बस का जो लेह का है वो एक ही सुबह 7 बजे बस मिलती है। ये जो टेम्पो ट्रैवल है ये जम्मू के लिए जा रही है, तो इसमें 600 का टिकट मिल गया है। बहुत हैवी एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं यहाँ टनल के अंदर। एनिहाल सिटी पहुँच गए हैं हम, लेह लद्दाख में पक गई थी आंखें वीरान पहाड़ियाँ देख देख कर, वही मिट्टी के पहाड़। सेंट्रल पॉइंट रामबन सिटी, चनाब रिवर, बहुत खूबसूरत व्यू है। सबसे लंबा टनल है 9 किलोमीटर का, जम्मू का बस स्टैंड है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बंदा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, और श्रीनगर से डेली अप डाउन करता है जम्मू के लिए। 9 नंबर काउंटर पे बताया है कि लुधियाना जलंधर की बस मिलेगी, मुझे 9 नंबर देखना है यहाँ पे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।